सज्जनता, सरलता और विद्वता की प्रतिमूर्ति। माननीय, नमस्कार आदरणीय। आज हम लोग बात करेंगे कि सच में पैसा हमारे पास आएगा क्या, और अगर आएगा तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि हमारे पास पैसा आने लगे। सबसे बड़ी बात होती है कि उस पावर जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, उस शक्ति, उस भगवान के प्रति हमारी सोच क्या है। हम सकारात्मक सोच रहे हैं या उसके लिए भी नकारात्मक सोचते हैं कि किसी ने भगवान को देखा है, किसी ने छुआ है, किसी ने महसूस किया है, या अपने जीवन में, अपने कार्यों में, अपने पुरुषार्थ में, अपने सफलता में हम उस ईश्वर को क्या महत्व दे रहे हैं। और अगर नहीं दे रहे हैं तो ये सब होना बहुत मुश्किल है। जीवन में सफलता के लिए, पुरुषार्थ के लिए ईश्वर के प्रति सकारात्मक सोच जब हम रखते हैं तो ये सब में स्थिरता आना प्रारंभ हो जाती है। और आप जब भी भगवान, उस शक्ति के विषय में सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? हम लोग यही सोचते हैं कि वो हम जैसे हों, शांत हों, दयालु हों, उन पर विश्वास कर रहे हैं हम। तो उस ब्रह्मांड की जो सबसे शक्तिशाली शक्ति है, जिसकी वजह से ये संसार, ये दुनिया चल रही है, वो क्या है बताइए? अभी जो दिखता है हमको, जैसे ईश्वर को ही हम कहें कि हम नहीं मानते हैं तो कैसे मानेंगे? तो इस समय जो सबसे शक्तिशाली है, जिसको हम देख सकते हैं, वो क्या है? सबसे बड़ी चीज तो सूर्य ही है। और उस सूर्य को अगर एक हफ्ते तक वो ना निकले तो जितने भी हमारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक हैं, क्या कोई ऐसा किसी ने बनाया है इस दुनिया में कि सूर्य को निकाल पाए? वो तो कोई नहीं कर पाएगा। या इसका कोई पूरक बना दे, जितनी गर्मी, जो उजाला सूर्य से मिलता है, इस पृथ्वी, इस संसार पे जितनी भी चीजें हैं उन सबको जला दें अगर हम, तो क्या सूर्य के बराबर रोशनी और गर्मी दे सकते हैं सभी को? ये असंभव है। क्या रात को सुबह कर सकते हैं? ये असंभव है। और अगर वो गर्मी ना दे, सूर्य गर्मी ना दे, तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? ये खून हमारा जाम हो जाएगा हमारी नसों में। पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन दे रहे हैं, अगर ये ना दें तो हम एक दिन भी जिंदा रह सकते हैं? एक मिनट भी जिंदा रह सकते हैं क्या? तो ये सब सोचना है कि उस शक्ति, उस पावर के लिए, उस पर विश्वास करने के लिए ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ही योगदान करेंगी कि जो चीज़ें ईश्वर ने हमको पानी दिया, रोशनी दी, ऑक्सीजन दी, ये सब फ्री दे रहा है। अगर वो ना दे तो इसके बराबर का भी हम नहीं कमा सकते हैं, इसको ही नहीं कर पाएंगे। जब भी हमारे जीवन में कष्ट आता है तो हम तुरंत उस भगवान, उस शक्ति से पूछने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन इन द सेम वे, जब हम अपने जीवन में ऊंचाई, सफलता और सफलता पाते हैं, तब हम भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। तब उनसे हम ये नहीं पूछते हैं कि इस पूरी दुनिया ने हमको इतना सम्मान, इतनी सफलता, इतना सब हमको क्यों मिल रहा है, इतना पैसा, धन, शोहरत क्यों मिल रही है। तब हम अपने आप में सोचने लगते हैं, घमंड करते हैं कि ये सब हम में इतनी कुव्वत थी, ये हमारा इतनी काबिलियत थी जिसकी वजह से ये सब हमको मिल रहा है। मेरे बराबर इस दुनिया में कोई काबिल ही नहीं था। जब कष्ट होता है तो क्यों पूछते हैं? ये सब भी उसकी ही इच्छा से होता है, अच्छा भी, बुरा भी। ये एटीट्यूड रखना है उस शक्ति के लिए
और जब आप उसको धन्यवाद देना, विश्वास करना, अपने काम पर फोकस करना प्रारंभ कर देते हैं, उस किसी भी दिशा में हो, आपको पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, धन चाहिए, उस दिशा में जब करते हैं तो ब्रह्मांड आपको उसी दिशा में सफलता देना, पैसा देना, शोहरत देना, स्वास्थ्य देना सब प्रारंभ कर देता है। तो उसके प्रति हमेशा सकारात्मक रहें, धन्यवाद की फीलिंग्स रहें उनके प्रति, और आप निश्चित ही अपने जीवन में सफल होंगे। ये जीवन अनमोल है और ये जीवन सिर्फ और सिर्फ एक है। थैंक यू।